खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां संयुक्त मोर्चा की महिला बाल विकास की महिलाएं विगत 15 मार्च 2023 से पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, संघ पर्यवेक्षक, संघ परियोजना अधिकारी शामिल है। पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा के दौरान जिले में कम प्रगति होने पर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों एवं युवकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय में 15 मार्च से इनके द्वारा सामूहिक हड़ताल किया जा रहा है। इन महिलाओं की मांग है कि बिना सूचना दिए किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई न की जाए, जिसको लेकर आज 3000 महिलाओं ने कमिश्नर का घेराव किया है। संयुक्त मोर्चा संघ रीवा की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। हम लोग 15 तारीख से जो कमिश्नर सर को, और जो हम लोग 15 तारीख से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें से मुख्यमंत्री जी द्वारा 28 तारीख को बोला गया है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है कि इस उनके आदेश के तहत हमारे कम से कम 250 बहनें और साथी निलंबित हो चुकी हैं। इसी संबंध में आज हम यहाँ पे माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उसको अपनी मांगों के लिए रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें दखलअंदाजी ना की जाए, मनमानी तरह से हमारे साथियों को निलंबित ना किया जाए। कमिश्नर साहब पहले हमारे पक्ष को सुने और सुनने के पश्चात ही कार्रवाई करें, इसी निवेदन के लिए हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, मांगे नहीं होती, तो अगला कदम क्या है? वो आज हमारे यहाँ भोपाल में बड़ा आंदोलन है। हमारा पूरा वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल गया होगा, पूरे जिले के 52 जिलों के प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए हैं। हम लोग यहाँ पे कल एक्चुअली आना था, छुट्टी पड़ जाने के बाद हम लोग नहीं आ पाए, तो बाकी जिलों के गए हैं। यहाँ से भी प्रतिनिधि मंडल बाकी भोपाल हमारे गए हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे, जो कमिश्नर साहब को ज्ञापन नहीं दे पाए थे, आज देने आए थे। संयुक्त मोर्चा महिला बाल विकास विभाग, जिसमें परियोजना अधिकारी संघ, पर्यवेक्षक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ शामिल हैं। हमारी कई सालों से लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर के 15 मार्च से हम लोग विधिवत सूचना दे करके और सामूहिक अवकाश पर हैं, और हमारी आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं, जिसमें ग्रेड पे वेतन विसंगति, पर्यवेक्षक जो संविदा में है उनका नियमितीकरण, कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का जो एक न्यूनतम निर्धारित वेतनमान है वो उनको दिया जाए, और हमारी जायज़ मांगे हैं। हम लोग इसके लिए 15 मार्च से अनवरत सामूहिक अवकाश पर हैं। इस समय एक स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि हमारे जो परियोजना अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, कार्यकर्ता सहायिका हैं, इनको अनावश्यक नोटिस दे करके और सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। आप चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग शासकीय जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको सफल संचालन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम लोगों की मांगें मानी जाएं। अभी आप लोग आधा घंटा से बाहर भी खड़े रहे, एक घंटा से क्या हो गया? हम लोग यहां आज माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ता यहाँ थी और उनका सबका ये मानना था कि माननीय साहब आएँ। उसके बाद माननीय साहब के पास हम लोग डेलीगेट्स गए वहाँ और मिले, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपकी जो मांगे हैं उसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और अनावश्यक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ कहाँ से आए हैं? पूरे संभाग के अधिकारी हैं यहाँ। लगभग 3000 महिलाएं हैं। समस्त जिला के परियोजना अधिकारी हैं, संभाग के सभी जिलों के परियोजना अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, और हम सब अपने मांगों को लेकर के संभागीय स्तर पर ये ज्ञापन देने आ जाए हैं। मैं शिवानंद शुक्ला, परियोजना अधिकारी रामपुर सीधी।